तो कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को झंडा मैदान डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को चुनाव से संबंधित सामग्रियों को उपलब्ध कराकर रवाना किया गया। तो गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से 4 डिस्पैच सेंटर बनाया गया था। गिरिडीह कॉलेज के पास 2 झंडा मैदान में 1 और पचम्बा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 1 डिस्पैच सेंटर बनाया गया। झंडा मैदान समेत अन्य 3 डिस्पैच सेंटर में सुबह से ही मतदान कर्मी पहुंच गए थे। तो निर्धारित समय के अनुसार सुबह 6 बजे से मतदान कर्मियों को चुनाव से संबंधित ईवीएम और अन्य सामग्रियों के साथ बस और अन्य वाहनों से रवाना किया गया। सभी डिस्पैच सेंटर पर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी भी की गई थी। जो है नेतलाल प्रसाद यादव नाम है और मैं चरघरा नावाड़ी में हूँ और ये मेरा बगोदर निर्वाचन क्षेत्र में पड़ा है। मरकोडी एक जगह का नाम है, UMS मरकोडी उसी जगह पर है। वर्तमान में यहाँ जो व्यवस्था बनाया गया है तो फिलहाल बहुत अच्छा है और वहाँ भी जो है प्रशासन की तरह से व्यवस्था किया गया है। इस बार बूथ में पर ही रुकना है। हमारे हीरालाल सर हैं, P1 हैं और हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम लोग बेहतर तरीके से वोट करा करके कितना भी टाइमिंग रहेगा कल? टाइम सर 7 बजे से 5 बजे तक है। रियल वोट मॉक पोल 5.5 से 6 सामान सब मिला है। विधानसभा बगोदर बूथ संख्या 3 पंडरिया कल 5 बजे से मॉक पोल कराना है, 7 बजे से मतदान कराना है। तो क्या यहाँ पर व्यवस्था कैसा है? कैसा व्यवस्था? ठीक है। अभी क्या करेंगे आप लोग यहाँ से? यहाँ से लेंगे सामान सब, जितने मटेरियल दिया उसको मिलाएंगे हम लोग, उसके बाद ईवीएम मशीन जाके लेंगे, उसको चेक करेंगे, सही मिलेगा। उसके बाद हम लोग जो बस मिला है उस बस में जाके खोजेंगे, उसके बाद हम लोग जाके बैठेंगे, उसके बाद